आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी हम लोग अनलोडिंग करने के लिए आए हुए हैं। इस टाइम पे गाड़ी खाली हो रही है अभी, तो आप लोग देख सकते हैं ये हम लोगों का खाना पीना अभी बन गया है। ये देखिए ट्रक में ऐसे ही खाना बनाया जाता है। ये चावल हो गया और इस साइड में दाल फ्राई की गई है। गैस इस साइड रखा हुआ है और ये गाड़ी है, पूरा केबिन गाड़ी का रहा। तो जब ऐसे आउट में हम लोग रहते हैं तो यूं ही क्या नाम है कि खाना पीना अपना बना के गाड़ी में ही और खा पी लेते हैं। और इस टाइम पर हम लोग जो चीज़ खाली कर रहे हैं उससे जो है खाद बनती है, यूरिया जिसे कहते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं डब्बों में ऐसे, यहाँ पे ऐसे खेती टाइप का होता है। ये पीछे आप जो ब्लैक ब्लैक कलर का देख रहे हैं, ये देखिए ये चीज़ें जो दिख रही हैं, ये छोटा छोटा बना के खेत के जैसे, और उसमें पॉलिथीन रख के उसी में ये चीज़ को रखा जाता है। ये जब सूखता है तो फिर ये यूरिया के रूप में तब्दील हो जाता है। तो ये देखिए अभी ये खाली हो रहा है, ये अपना पीछे टैंकर लगा हुआ है। तो ये पूरा कम से कम कुछ नहीं तो 2-3 एकड़ में ये चीज़ होगी, ज़मीन जो है यहाँ की, और उसमें पूरा यूं ही लगाया गया है, पूरा ढेर सारा देख सकते हैं काफ़ी दूर तक है। तो ऐसे ही लगाया गया है, वहाँ पे आदमी भर रहे हैं सब, वो देखिए। तो इसमें से जैसे ही खाली होता है तो पूरे में ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा रखा जाता है, ये 5-6 दिन बाद ऐसे सूख जाता है, फिर ये यूरिया का रूप ले लेता है खाद का। तो ये काफ़ी अच्छी तकनीक है यहाँ की, तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी दिखाना चाहिए। तो अभी लोग हम लोग इस टाइम पे अंकलेश्वर में जो पड़ता है आपका ये गुजरात में, अभी यहाँ से गाड़ी खाली होगी फिर इसकी सर्विस वगैरह होगी, फिर हम लोग निकलेंगे फिर आगे। तो जैसे ही आगे फिर जाएंगे हम आपको बताएंगे। और यहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, काफ़ी फैक्ट्रियाँ हैं, आप देख सकते हैं ये मेरे इस साइड आप देखेंगे तो ये रही, देखिए बहुत बड़ी बड़ी है, एक 2-2 किलोमीटर के रेंज में ये सब फैक्ट्रियाँ हैं और काफ़ी बड़ी हैं, और सब ये सब केमिकल्स फैक्ट्री हैं, टोटल केमिकल्स बनाती हैं। और हम लोगों की जो गाड़ी है वो भी केमिकल लाइन में ही चलती है, तो इसमें कुछ भी भरा जाता है, तो कोई भी केमिकल्स भरे जाते हैं, फिर उसके बाद इसको धुलवाया जाता है, फिर उसके बाद फिर नया केमिकल्स ऐसे होते हैं। तो अभी हम लोगों का जो गोवा का ट्रिप था वो ख़त्म हो गया, हम लोग आ गए यहाँ पर, और अब इसके बाद हम लोग फिर बिहार का हो सकता है तो भरा जाए। तो अगर जैसे ही बिहार का रहेगा तो यहाँ से गुजरात से बिहार तक जाने का अपना एक अलग ही व्यू रहेगा, तो हम आपको दिखाएंगे वहाँ का। और भाई अभी हम लोगों का खाना वाना बन के रेडी हो गया है, तो अब खाना खाने का भी ये देखिए मेरे पीछे जो है कृष्ण जी है, ये भी काफ़ी हम लोगों के साथ हेल्प करते हैं, साथ साथ चलते रहते हैं। और ये पूरा गाड़ी का आप केबिन देख सकते हैं, ये फैन लगा हुआ है और काफ़ी अच्छे से बनाया जाता है इसको। मगर तो भाई नाम इसका ट्रक है, और मुझको भी इसको काफ़ी टाइम तक यूज नहीं करना है, मैं तो इसलिए वीडियो नहीं अभी शूट करता हूँ खुद का चलाया हुआ, क्योंकि जो मतलब ड्राइवर हैं, जो मेन ड्राइवर हैं इसके, वो क्या करते हैं कि वो थोड़े उम्र दराज है, तो मैं मुझे अजीब लगता है कि मैं उनके हाथ में फ़ोन दूँ और मैं गाड़ी चलाऊँ वो वीडियो शूट करें, तो ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगती हैं। तो मैं उनसे धीरे धीरे बोल रहा हूँ, अभी मतलब मुलाकात भी हमसे उनसे 10-20 दिन हुए, तो इसलिए मैं उनसे बोला कि मैं ऐसे YouTube पे वीडियो शूट करता हूँ और डालता हूँ, तो बोले कोई बात नहीं आप बना के डाला करो। क्योंकि उस दिन हम लोग जब ब्रिज पे थे, तो ब्रिज पे गोवा वाले ब्रिज पे, तो वहाँ पे वो ही गाड़ी स्लो स्लो चला रहे थे, बोले कि आप वीडियो शूट कर लो, क्योंकि वो ब्रिज था वहाँ पर गाड़ी रोकनी पॉसिबल नहीं थी। और हम लोग इसलिए वहाँ पे मतलब घूमने के लिए नहीं गए क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी है, और वहाँ पे जो गोवा शहर है वो काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है, तो कहीं भी गाड़ी रोड पे लगाना या फिर ये चीज़ें दिक्कत होती कहीं ना कहीं,
तो इसलिए हम लोग रुके नहीं कहीं पे। तो वो जब ब्रिज पे गाड़ी गई तो वो स्लो मोशन में कर दी एकदम, तो पहले नंबर में स्लो स्लो जा रही थी, तब इतना अच्छा व्यू आप लोग देखे होंगे। और भाई आप लोग सपोर्ट कीजिए यार, वीडियो को मेरे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो एक आध दिन लेट हो जा रही है, ब्लॉग आने में एक आध दिन का समय लग जा रहा है, क्योंकि रात दिन गाड़ी चलती रहती है, तो इसलिए ब्लॉग जो है कि बराबर शूट नहीं होता। और नाइट व्यू में इसलिए शूट नहीं करता कि साथ में वो रहते हैं तो थोड़ा अलग सा ही मुझे फील होता है। तो आने वाले दिन में एक आध महीने में मैं जब खुद ड्राइव करने लगूँगा गाड़ी का, तब और भी अच्छे ब्लॉग आएंगे। फिर वो मेरे ऊपर डिपेंड हो जाएगा ना, फिर मैं कहीं भी रोकूँ कहीं भी चलाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को भाई सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।